जोरो, ये देखें जी, ये देखें आप कैसे काम करेंगे। चांद रात है और मुझे बेड की चादर जो है वो करनी है। और ये अंदर घुसे हुए, जोरो बाहर आ जाइए फ़ौरन, जोरो बाहर आओ, बाहर आ जाओ फ़ौरन जी। नहीं क्यों, बाहर आओ, जोरो बाहर आओ, जोरो बाहर आओ, जोरो जोरो बाहर आ जाओ, जल्दी शादी, जल्दी शादी, जल्दी शादी। अच्छा आप कर लें भी काम इस तरह का। ये है हमारी चांद रात की तैयारियाँ। हम बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं और वो ज़रूरी काम आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, इनको लेकर जा रहे हैं वेट के पास क्योंकि ईद है, तो इनकी भी तो ईद है ना, इनकी भी ग्रूमिंग ज़रूरी है। और ये दूसरे साहब इधर बैठे हुए मजे से देख लें नीचे करके मुनि 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 मुनि। हम जा रहे हैं वेट के पास। ज़ोरो इज़ ऑब्जर्विंग व्हाट्स हैपनिंग। नहीं ज़ोरो इधर उधर नहीं जाना है, ये आपका घर नहीं है, सुकून से बैठे। गुच्छे मम्मा, मुझे वो गुच्छ है, मैं वो गुच्छे में हूँ, मुझे खूब लेकर आए मेरा बेबी। ज़रूरत थी शरीफ, कैसे हो गए तुम? नहीं दिखा रहा है, नहीं बच्चे। ज़रूर की नील फिटिंग हो गई। नहीं अभी कहीं नहीं जाना है, अभी एक काम रह गया है। अरे वाह जोरो चैंपियन। अभी तो खाली टेम्परेचर चेक होगा। इस तरह इन दोनों की ग्रूमिंग और कुकी के बहुत सारे गुस्से के साथ हम फारिग हो गए हैं अब वेट विजिट से। अब हम जा रहे हैं जनाब सैलून करने, कुछ सर्विसेज अपनी मुंह की चमकी कराने। लेट्स सी क्या होता है। वी आर एट आयशा अमान प्रीमियम वेलमेन सैलून। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पौन घंटे की वेटिंग के बाद भी उन्होंने सिर्फ ये तक नहीं पूछ सकी वो हमसे कि हमने करवाना क्या है। सो वी लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड डिडंट गेट एनी सर्विसेज। शामी कबाब शुड बी गुड, वी आर मेकिंग शामी कबाब फॉर ईद। थोड़ा कम कीजिए। ये हैंडमेड कार्ड्स बनवाए हैं मैंने किरण मुजम्मिल अहमद से, और साथ में जो है वो ये रोज़ सेंटेड कैंडल्स हैं जिसमें उन्होंने कस्टमाइज नेम लिखे हुए हैं ईद मुबारक के साथ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू फिल इट इन द स्मॉलेस्ट क्यूटेस्ट बास्केट्स फॉर माई क्लीग्स। और ये है द बेक शॉप बाय एनी खान के कुकीज़, जाइंट कुकीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, माई फेवरेट वंस। टडा, हो गई बास्केट्स रेडी सारी की सारी। आई होप के सबको पसंद ही आएंगी साथ साथ। आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं वेट करूँगी आपका कमेंट सेक्शन में। ये जी मैंने इसके ऊपर जो है ये डबल लेयर्ड बटरफ्लाइज लगाई हैं, ये ईद मुबारक वाले टैग्स लगाए हैं और अंदर इसमें जो है वो सामान रखा हुआ है। अब हम कर रहे हैं ईदी पैक और ये लिए हैं मैंने स्पेशल एनवलप्स। जी हाँ, ये कितने शाइनी शाइनी चमकी चमकी वाले, देख रहे हैं आप बचपन की यादें। और ये छोटे कलरफुल वाले छोटे बच्चों के लिए लिए हैं। और ये रही ईदी और मैं इसमें डालने जा रही हूँ अब ईदी पैक्स। ईदी पैक करना भी एक बड़ा टास्क होता है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले ही कर लूँ। तो मैं अपनी ये बास्केट्स वगैरह और सबके जो है वो गिव अवेज़ बना रही थी जिन जिन लोगों को मैंने अपने देना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तो साथ में मैंने ईदी भी पैक करना शुरू कर दी और ये काम मैंने एक बड़ा मार्का सर अंजाम दे लिया पहले ही, वरना ईद वाले दिन सुबह सुबह बैठ के जल्दी जल्दी भाग भाग के तैयारी करनी होती है ये सारे एनवलप्स। तो इट्स बेटर कि आप पहले से जो है वही सारी चीज़ें अपने पास करके रखें। हम मेहंदी लगवाने के लिए जमा हुए हुए हैं चच्ची के यहाँ क्योंकि आज एक्सपेक्टेडली चांद रात है, सुबह के 12 नहीं दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहाँ पे मेहंदियाँ लगना शुरू हो रही हैं अब। अच्छा जी, तो मेहंदी लगनी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी खूबसूरत नफासत के साथ मेहंदी लगा रही हैं जिनको हमने बुलाया था, रकीना नूरानी इनका नाम है। और बहुत इनका देखा था हमने इंस्टाग्राम पे, बड़ा अच्छा पेज, तो ये आई थी और सारे लोग जमा हुए और हमने 10% की इनसे बात की थी, 8 to 10% की। लेकिन हमारे साथ बड़ा बैड सीन हुआ और वो बैड सीन शदीद वाला हो गया। वो ये हुआ कि हो सकता है आपके साथ भी कभी इस तरह के बैड सीन्स हुए हों मेहंदी वाले जो होते हैं,
ये हुआ कि इन्होंने आधे लोगों को भी नहीं लगाई, मतलब इन्होंने पांच लोगों को लगाई है फोर साइड्स, और उसमें जिसमें तीन बच्चियां भी शामिल थीं। और उसके बाद ये अपना बोरिया बिस्तर समेट के चली गई कि मुझे अगली जगह जाना है, और बाकी सारे बेचारे मुंह देखते रह गए। सो नहीं हुई चांद रात, और अच्छा ही हो गया एक तरह से कि नहीं हुई है चांद रात, क्योंकि काफ़ी सारे काम फैले हुए थे और मैं तो दुआ कर रही थी कि अल्लाह भैया चांद रात नहीं हो, एक रोज़ और मिल जाए, थोड़ी सी होता है ना कि आपको एक थोड़ा सा ग्रेस पीरियड मिल जाता है, वो मिल जाए, तो वो फाइनली मिल गया है। और अब हो रही है, आज है चांद रात, एक्चुअली अभी चांद दिन हुआ हुआ है और सुबह हो रही है, और अब मैं जा रही हूँ बहुत सारे कामों से निकल रही हूँ, और आप लोग हैं मेरे साथ, चल के देखते हैं आज हम क्या क्या करते हैं। फ्लावर्स, ये बाइक वाले, हम इसको स्प्रे करवाएंगे। और एक और भी होता है वो, वाइट होगा, जी जी जी, वो 150 रुपए की, येलो वाली 150 रुपए, येलो वाली निकाल दे साथ में। हां भाई, ये कितना बजे अच्छी खासी वॉक हो गई है, लेकिन काम हो गया एटलीस्ट। किस तरह दे रही? ये 400 रुपए, 400 का पड़ेगा, कम नहीं होंगे? कितने चाहिए? मुझे तीन चाहिए। निकालें दिखाएं, अच्छे अच्छे हेल्दी निकालिएगा भाई। नर्सरी आओ तो दिल ही नहीं चाहता जाने का, दिल चाहता है कि बस सारे के सारे पौधे, सारी की सारी ग्रीनरी ना अपनी आंखों में बसा लो और घर लेके चले जाओ। आपको भी ऐसे ही लगता है? नाश्ते के लिए कुछ ज़रूरी ग्रॉसरी की, तो मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी से पहले आ गया कॉस्मेटिक सेक्शन, तो मैंने कहा पहले इसी से फ़ायदा उठा लिया जाए। कॉस्मेटिक्स ले ली है, अब मैं जा रही हूँ कुछ ज़रूरी ग्रॉसरी करने के लिए, जो कि सुबह के नाश्ते के लिए चाहिए होती है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि सुबह का ईद का नाश्ता मेरे घर होता है, जिन्होंने पिछले व्लॉग्स भी देखी हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो अब देखें हम क्या क्या करते हैं। ये कैमरा नहीं चकरा रहा, इतने ही चक्कर मुझे भी आ रहे हैं इस वक्त रोज़े में। इफ्तार के बाद सबसे पहले मैं बेडशीट्स चेंज कर रही हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है किचन में लग जाओ तो। और ये बच्चों के कमरे की बेडशीट जो है वो चेंज हो चुकी हैं, और अब जाएंगे नेक्स्ट टास्क की तरफ। गैस करें क्या हो रहा है। शामी कबाब वाले सैंडविचेस की तैयारी हो रही है, हम बना रहे हैं शामी कबाब सैंडविचेस। पिज़्ज़ा सॉस लग चुका है, कबाब फ्राई हुए हुए हैं, चीज़ ग्रेट करने की तैयारी हो रही है। रात के बज रहे हैं 1:45, एक बजने में 10 मिनट, और यहाँ बन रहा है सुबह नाश्ते के लिए मीठा, मीठे की तैयारी हो रही है। ये है जी हमारी ईद की आधी अधूरी तैयारियों की कुछ झलकियाँ। तो इस तरह करके अब मैं सारी चीज़ें जो है मैंने क्लिंग रैप की हुई हैं सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं खुली छोड़ के जा रही हूँ। फ्लावर्स मैंने कर दिए हैं सेट, कितने प्रीटी लग रहे हैं ना कलर्स। और अब मैं ऊपर जा रही हूँ, और जाके जो है अब मुझे सारे कपड़े प्रेस करने हैं और क्या करना है, और उसके बाद फिर जो है वो मैं सोऊंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो इसी के साथ जो है वो आज का दिन होता है तमाम, यानी चांद रात होती है तमाम। 1:15 बज रहे हैं और अब मैं कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ सबके, तो शायद 2 बज जाएंगे। तो फिर मिलते हैं सुबह कल ईद पे, और फिर देखते हैं कि ईद कैसी गुज़र रही है, क्या क्या हो रहा है, कैसा लगा आपको ब्लॉग बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ़ से चांद मुबारक।